हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। सो वर्क करते हैं आज क्लास सेकंड पे विच वी हैव स्टार्टेड। और बेसिकली ये क्लास आपकी लिटरेचर के लिए है, ग्रामर के लिए है एंड सम अदर टॉपिक्स के लिए है। सो आज की क्लास में बेसिकली हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिस पे हम वर्क कर रहे थे। लास्ट क्लास में वी हैड डिस्कस्ड अबाउट यूनिवर्सिटी वेट्स। सो लेट अस टेक यूनिवर्सिटी वेट्स अहेड। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं और हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी वेट्स की। वी हैड डिस्कस दिस, यूनिवर्सिटी वेट्स कौन कौन थे, किसने इस टर्म को कॉइन किया था एंड कैसे हम उनको याद रख सकते हैं, किसको हम उसमें से एक्सक्लूड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी हैड गॉन थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्सिटी वेट्स। यहां तक हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं, यानी ब्लैंक वर्ड्स वो यूज करते थे एंड ऑल्सो ट्रेजडीज, क्योंकि ट्रेजडी एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, क्लासिकल के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है ना। तो आज हम उनमें सबसे पहले लेते हैं जॉन लिली को। यू सी हियर जॉन लिली। टाइम पीरियड अगर हम जॉन लिली का देखें 1553 टू 1606, ये टाइम पीरियड है, यानी कि बहुत कम समय के लिए वो जीते हैं। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर, प्ले राइट, बेस्ट नॉन फॉर हिज बुक्स यूफेस। ये ध्यान से देखेंगे, ये जो वर्ड है यूफेस, ये बड़ा जबरदस्त है। क्या क्या बुक है? दो बुक है, द एनाटॉमी ऑफ विट 1578 एंड यूफेस एंड हिज इंग्लैंड। ये सिक्वेल थी इसी की, और कब लिखी गई थी? 1580 में। तो देखो 1578, कुछ जगह पे 79 भी है और ये 1580 है। मैं आपको बता दूं ये यूफेस बेसिकली कौन है। ही इज द हीरो ऑफ हिज वर्क्स, जैसे होता है ना प्रोटैगोनिस्ट। तो जॉन लिली के वर्क्स का, मेन वर्क्स का, इन दो का ये हीरो है यूफेस। और इसी से एक टर्म निकली, यूफुइज्म। क्या देख पा रहे हैं आप? यूफुइज्म, राइट? देखो इस टर्म को आपको डिफरेंस बनाना है, डिफर करना है किससे? यूफिमिज्म से। यूफिमिज्म, यूफिमिज्म अगर मैं कहूं तो ये पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट? फिगर ऑफ स्पीच, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है ना, अलंकार है। और यूफिमिज्म का बेसिकली मीन्स होता है किसी गलत चीज को या फिर किसी ऐसी चीज को जिसे कोई ऑफेंस हो जाए, प्लेजेंट वे में प्रेजेंट करना, यूफिमिज्म कहलाता है। जैसे हम अगर किसी सामने वाले को नहीं कहना चाहते कि ही इज टेलिंग अ लाई या वो एक लायर है, तो हम उसे बोलेंगे ओ यू आर टेलिंग अस द फेरी टेल्स। फेरी टेल्स का मीन्स क्या हुआ? परियोगी कहानी। ये एक फ्रेज है जिसका मीन्स है झूठी होती है, यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में आपने कहा। तो अनएग्रीएबल चीज को एग्रीएबल वे में कहना, यही क्या है हमारा यूफिमिज्म। लेकिन आप ऊपर का वर्ड देखो यूफुइज्म, ये कहां से बना? इस यूफिज्म टर्म से। इसका मींस होता है हार्मफुल, यानी कि टर्म कैसी है? हार्मफुल फॉर द एनिमी। क्योंकि ये यूफिस जो हीरो है, ये हर किसी दुश्मन के लिए हमेशा हार्मफुल होता है। तो आपको मेन दो वर्क याद रखने इनके, एनाटॉमी ऑफ विट और सेकेंड यूफिस और एंड हिज इंग्लैंड। आगे बढ़ेंगे। इन 1632 ब्लाउंट पब्लिश सिक्स कोर्ट कॉमेडीज, राइट? कौन कौन सी? द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ लिली'स प्ले विच इंक्लूडेड द फॉलोइंग प्लेज, है ना, प्रेजेंटेड बाय द चिल्ड्रंस ऑफ पॉल, पॉल के चिल्ड्रंस। और ये यहां पे ब्लाउंट ने लिखा है। क्या क्या है? नंबर वन एंडीमियन 1591 में, कंपास 1584, सोफो एंड पाहो 1584 एंड गैलेथिया 1592, मिडास 1592 एंड मदर बॉम्बे 1594। देखो ये छह हैं, सिक्स हैं कोर्ट कॉमेडीज, लेकिन एक और है इनमें लव्स मेटामोरफोसिस, जिनको इसमें से लेफ्ट आउट किया गया है, लेकिन ये भी यहां पे इन्हीं की है। अब जबरदस्त बात देखेंगे, ये जो गैलेथिया है यूजीसी नेट 2023 जून वाले में ये क्वेश्चन बना था कि गैलेथिया वर्क, उसमें वर्क लिखे थे कि हैज बीन रिटन बाय हूम, तो ये किसने लिखा? जॉन लिली ने। मेन क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, कमिंग में आपका सेफ एंड पाहो आ सकता है, कंपास आ सकता है, एंडीमियन। अब देखो एंडीमियन इन्होंने लिखा, जबरदस्त वर्क है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है कि एंडीमियन हैज आल्सो बीन रिटन बाय जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स का भी लिखा गया है, जिसको बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म होता है उस समय पे। तो एंडीमियन विच हैड बीन डेडिकेटेड टू चैटर्टन has been written also by John Keats। तो ये John Keats ने भी लिखा है guys, और वो ज्यादा important है। लेकिन साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनसे पहले इस Endymion को कौन लिख चुका था? हमारे John Lyly।
कंपास, फिर सेपो एंड पाहो। सेपो में सेफो जो है, सोफो जो है ये एक क्वीन है, जबकि पाहो जो है वो इसका एक फियांसी है। गलेथिया इसी तरह से हम देखते हैं, मिडास हम देखते हैं, और बंदर बॉम्बी। मैं आपको बता दीजिए नीचे वाला वर्क है लव्स मेटामॉर्फोसिस। गाइस ये इट हैज मेड अ ग्रेट इंपैक्ट, या मैं कहूं आपको यहां से काफी सारी इवेंट्स ली गई हैं बाय शेक्सपियर इन हिज वर्क लव्स लेबर लॉस्ट। लव्स लेबर लॉस्ट, तो लव्स लेबर लॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहां से? लव्स मेटामॉर्फोसिस से। गलेथिया अगर मैं कहूं आपको, गलेथिया का भी लाइक मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मिडसमर नाइट्स ड्रीम किसने लिखा? शेक्सपियर ने। तो इस प्ले में, इस कॉमेडी में कहां का इंपैक्ट है? गलेथिया का। ये जो मिडास वर्क है गाइज, आपने सुना होगा मिडास राजा था जिसने एक वरदान मांगा और उसको वरदान में क्या मिला कि वट एवर ही वुड टच वुड टर्न इन टू गोल्ड। याद है आपको? इससे एक फ्रेज भी बनी है मिडास टच, यानी कि जो हमेशा प्रॉफिटेबल हो। तो ये वही मिडास की कहानी है, मिडास 1592, ऐसा राजा जिसको टच करने के बाद किसी भी चीज को गोल्ड में टर्न करने का वरदान मिला था। गेटिंग एवरीवन? तो देखो जॉन लिली का बस यही वर्क है, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। तो जॉन लिली मींस मेन मेन वर्क में बता दूं, लव्स मेटामॉर्फोसिस, एंडिमियन, सोपो एंड पाहो, गलेथिया, मिडास एंड मदर बॉम्बी। बाकी ऊपर वाले दो वर्क है ये आपको ध्यान रखने, और ये टर्म भी ध्यान रखने, यूफुइज्म, जो कि डिफर करती है यूफीमिज्म से। अगले राइटर पे आते हैं, ग्रेट राइटर, मैंने कहा आपको ही वॉज द लीडर ऑफ देम, क्रिस्टोफर मार्लो, 1564। अब ध्यान से देखो ये लिखा है 1564 टू 1593, राइट? ये किसकी बर्थ डेट और है, बर्थ ईयर किसका है? ये शेक्सपियर का भी है, यानी कि 1564 में ही शेक्सपियर का भी जन्म हुआ था। ध्यान से देखो क्या लिखा है, मार्लो, मार्लो वॉज बोर्न इन कैंटरबरी। देखो कैंटरबरी टेल्स आप पढ़ते हैं, किसने लिखी है? चौसर, राइट? उसी कैंटरबरी प्लेस पे, डिस्ट्रिक्ट में ये पैदा होते हैं, ओनली अ फ्यू मंथ्स बिफोर, तो शेक्सपियर से कुछ ही महीने पहले पैदा हुए थे, राइट? शेक्सपियर कब होते? 23 अप्रैल को, तो ये कहने का मीन से एक दो महीने पहले उनसे आए। ही इज कंसीडर्ड एज शेक्सपियर्स मास्टर इन ट्रेजेडी, क्योंकि शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लो को जबरदस्त फॉलो किया है। ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड दैट इफ मार्लो हैडंट बीन देयर, शेक्सपियर वुड नॉट हैव बीन शेक्सपियर। शेक्सपियर शेक्सपियर ना होते अगर क्रिस्टोफर ना होते, क्रिस्टोफर मार्लो ना होते। कौन थे? सन ऑफ अ पुअर शूमेकर, जॉन मार्लो। और भाई कहां स्टडी की थी इन्होंने? कैम्ब्रिज में। मिल्टन ने भी कैम्ब्रिज में स्टडी की थी। इन 1587 एट द एज ऑफ 23 ही प्रोड्यूस टेम्बरलिन, बड़ा जबरदस्त वर्क है गाइस। ये जो टेम्बरलिन था, एक ऐसा जबरदस्त वर्क था, हीरोइक वर्क था, जिसमें टेम्बरलिन इनके तैमूर लंग को एक तरह से क्या किया गया था, ग्लोरीफाई किया गया था। एंड इट हैड ऑल्सो ग्लोरीफाइड द एलिजाबेथन एज, क्योंकि 23 की एज में उन्होंने लिख दिया था। ही रोट ओनली ट्रेजेडीज, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द राइटर हु हैड रिटन, और द प्ले राइट हु हैड रिटन ओनली ट्रेजेडीज, तो ये कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर मार्लो है। कब? ड्यूरिंग 5 years ऑफ हिज राइटिंग, 1587 से लेके 1593 तक। A warrant was issued for Marlowe's arrest on 18th May 1593 and no reason was given for it, right? और जब ये लगातार इनको कोर्ट से अनुमति नहीं मिली कहीं जाने की, और ये कोर्ट को एवरी डे ही हैड टू विजिट, बताना पड़ता था मैं यहीं पे हूं। वन टाइम वेन ही वॉज रिटर्निंग, तो इनको स्टैब कर दिया गया था। ही हैड बीन स्टैब 33 टाइम्स, है ना, टू डेथ बाई इनग्राम फ्राइजर। इनग्राम फ्राइजर ने 1593 में इनको स्टैब कर दिया था, एंड ही डाइड। अगर आपको मैं बताऊं यही इवेंट इनके किस वर्क में मिलती है, डॉक्टर फॉस्टस में, ट्रेजेडी ऑफ द डॉक्टर फॉस्टस, बड़ा जबरदस्त वर्क है, एक ट्रेजेडी है इनकी जिसको बहुत जाना जाता है, फेमस है, और वो कैसी है, ऑटोबायोग्राफिकल दिखती है। सो मार्लोज फर्स्ट प्ले वॉज परफॉर्म्ड ऑन द रेगुलर स्टेज इन लंडन इन 1587 एंड टेम्बरलिन वॉज टेम्बरलिन द ग्रेट अबाउट द कॉन्करर, क्योंकि पर्सियन कॉन्करर है, जबरदस्त है उस समय का। टेम्बरलिन हु राइजेस फ्रॉम शेफर्ड टू वॉर लॉर्ड, ये शेफर्ड थे लेकिन क्या बन गए फिर, वॉर लॉर्ड, है ना, बहुत बड़े लड़ाके। टेम्बरलिन वॉज अ ग्रेट सक्सेस एंड इट वॉज फॉलोड बाई टेम्बरलिन पार्ट सेकेंड, दो पार्ट में लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पार्ट वन एंड पार्ट सेकेंड। ऑल मार्लोज अदर वर्क वर पब्लिश पोस्थमसली, इसके अलावा अगर हम देखें तो सारे के सारे वर्क उनके कैसे थे जो पब्लिश हुए थे, लेकिन कैसे पब्लिश हुए थे गाइज, दैट वर पब्लिश्ड पोस्थमसली। अगले पेज पे आते हैं, बेन जॉनसन,
अब देखो इनके बारे में कितने अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं हमारे पास। बेन जॉनसन कोइंड द फ्रेज, क्या कोइन की थी उन्होंने फ्रेज, मार्लोज माइटी लाइंस। ये फ्रेज कहां से आती है और क्या मींस था इसका, दैट मींस मार्लोज ब्लैंकवर्स विद इट्स न्यू विगर फोर्स एंड फायर टू सूट हिज हीरोइक थीम्स। यानी इनके जो वर्क्स थे उन वर्क्स की जो हीरोइक थीम थी उसके लिए उन्होंने क्या लाइन यूज की थी, मार्लोज माइटी लाइंस। आगे है ऑल मार्लोज ट्रेजेडीज आर वन मैन ट्रेजेडी, यानी कि डॉक्टर फोस्टस ले लो, टेम्बरलेन ले लो, या फिर एडवर्ड सेकंड की हम बात करें, वहां पे वन मैन ट्रेजेडी आपको दिखेगी। टेम्बरलेन मस्ट डाई, देखो ध्यान से, टेम्बरलेन मस्ट डाई, ये वर्क किसने लिखा, बाय लाउजी वेल्स, और ये क्या है, एक नोवेला है दैट रिकाउंट्स द लास्ट फ्यू डेज ऑफ मार्लो। मार्लो के जो लास्ट के बिल्कुल कुछ फ्यू डेज थे उनको ये एक तरह से काउंट करता है, रिकाउंट करता है, प्रेजेंट करता है। इन द प्ले एज यू लाइक इट, किसने लिखा भाई, 100% शेक्सपियर, बड़ा जबरदस्त वर्क है। पेड ट्रिब्यूट, शेक्सपियर ने इनको ट्रिब्यूट पे की थी टू मार्लो, क्या कहते हुए, डेड शेफर्ड। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हु हैड टर्म्ड क्रिस्टोफर मार्लो एज द डेड शेफर्ड एंड इन विच पर्टिकुलर वर्क, तो ये शेक्सपियर का एज यू लाइक इट है। अगले वर्क को जरा देखते हैं, जॉर्ज पील, जॉर्ज पील रिमेंबर्ड मार्लो एज मार्ले द म्यूज़ेस डार्लिंग। अगला वर्क, अगली लाइन है, ही इंट्रोड्यूस्ड एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इंटरनल स्ट्रगल। गाइस इस इंटरनल स्ट्रगल को जरा देखते हैं, जैसे लगातार आपके मन में भी स्ट्रगल चल रही है, मैं इसको तैयार कर लूं, मैं इसको कर लूं, मैं ये कोचिंग ज्वाइन कर लूं, ये कर लूं, या फिर ये बुक पढ़ लूं, मेरा हो पाएगा कि नहीं, ये सारी इंटरनल स्ट्रगल होती है और ये स्ट्रगल ही हमें सक्सेस की तरफ लेके जाती है, ये होनी चाहिए। इन टू इंग्लिश, तो इंग्लिश में इंटरनल स्ट्रगल एज अ टर्म हैज बीन यूज्ड बाय होम, इट वाज क्रिस्टोफर मार्लो। आगे हम देखते हैं, थॉमस नैश कॉल्ड मार्लो, क्या कहा मार्लो को, पुअर डिजीज्ड किट मार्लो। तो पुअर डिजीज किट मार्लो कौन कहते हैं, थॉमस नैश। अगला पॉइंट है, एसी स्वाइनबर्न इन हिज कंटेम्परेरीज ऑफ शेक्सपियर स्टेटेड दैट मार्लो ग्रीन एंड पील आर थ्री गिफ्टेड मैन। यानी कि एसी स्वाइनबर्न क्या कहते हैं अपने वर्क में, कंटेम्परेरीज ऑफ शेक्सपियर में, कि भाई ग्रीन है, मार्लो है, पील है, तीन गिफ्टेड मैन है, हु हैव बीन दस ब्रैकेटेड बाय सच क्रिटिक्स एज इन 300 इयर्स। गेटिंग एवरीवन। अब भी आते हैं हम इनके वर्क्स पे, व्हाट पर्टिकुलर वर्क्स हैव बीन रिटन बाय मार्लो। तो सबसे पहला वर्क हम इसको डिस्कस भी कर चुके 1587 में, टेम्बरलेन द ग्रेट। इट इज अ प्ले इन टू पार्ट्स बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट्रल एशियन, एशियन का बदले मैं कहूंगा आपको पर्शियन भी है, है? पर्शिया आपने नाम सुना होगा, तो पर्शिया से बिलोंग करते थे और ये तैमूर थे, तैमूर लंग हिंदी में कहते हैं। द प्ले वॉज एंटर्ड इन टू द स्टेशनर्स रजिस्टर इन 1590, बोथ पार्ट्स वर पब्लिश टूगेदर इन 1590 बाई प्रिंटर रिचार्ड जोन्स। तो बस इतना ध्यान रखना कि दो पार्ट में है और ये टेम्बरलेन द ग्रेट है, बड़ा जबरदस्त वर्क है। अगला वर्क है गाइस इनका, द ज्यू ऑफ माल्टा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, जरा ध्यान से देखेंगे ज्यू ऑफ माल्टा को, द फेमस ट्रेजेडी, इसका जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है, द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द रिच ज्यू ऑफ माल्टा। मैं आपको बता दूं, द ज्यू ऑफ माल्टा हैज बीन कॉपीड बाय शेक्सपियर किस वर्क में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। यह बड़ा जबरदस्त वर्क है, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, राइट। और इस मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो बंदा है जिसका नाम है शाइलोक, सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये शाइलोक इक्वल टू है यहां पे बारबस के, बारबस जो कैरेक्टर है बारबस, वो शाइलोक को इक्वल करता है। तो जो माल्टा द फेमस ट्रेज जो माल्टा इज अ प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो रिटन इन 1589 और 90 रिवॉल्व्स अराउंड अ माल्टीज ज्यूइश, देखो यहां पर ज्यूइश है, ये भी ज्यूइश थे शाइलोक भी, मर्चेंट नेम्ड बारबस। द ओरिजिनल स्टोरी कंबाइंस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट इंट्रिग एंड रिवेंज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द सुप्रीमेसी बिटवीन स्पेन एंड द ओटोमन एम्पायर इन द मेडिटेरेनियन दैट टेक्स प्लेस ऑन द आइलैंड ऑफ माल्टा। तो माल्टा के आइलैंड पे टेक प्लेस करता है। देयर हैज बीन एक्सटेंसिव डिबेट अबाउट द प्लेज पोर्ट्रेयल ऑफ ज्यूस एंड हाउ एलिजाबेथन ऑडियंसेस वुड हैव वेव्ड इट। अब जरा एक नजर डालते हैं यहां पे आने वाले कैरेक्टर्स पे, ध्यान से देखो, इसका स्पीकर जो है प्रोलॉग का वो कौन है, मैकियावेल। यानी कहानी कौन सुनाएगा भाई, मैकियावेल। बारबस मैंने बताया आपको रिच ज्यूइश है, मर्चेंट है माल्टा का। एबिगेल, एबिगेल जो है ये इसकी डॉटर है, यानी कि लास्ट में मैं बता दूं डॉटर इसका बहुत साथ देती है लेकिन लास्ट में वो इसके अगेंस्ट हो जाती है,
राइट, यानी कि जब ये अपने सामान को अपने लाइक वेल्थ को लेके भागने वाला है, प्रॉपर्टी को लेके भागने वाला है, फॉर्चून को लेके भागने वाला है, तो वो फॉर्चून घर से बाहर कौन फेंकती है? ये एबिगेल। इथामोर इसका स्लेव है, फर्नेस गवर्नर ऑफ माल्टा, डॉन लुडोविक हिजसन, डॉन माल्थियास मैथियास लुडोविक का फ्रेंड है, कैथरीन है यहाँ पे मैथिया के मदर, फरियार जोकोम्बो, फरियार बर्नार्डी, एवेस स्लेम कैल्थे और कल्पेन। बस ये आपको ध्यान रखिए, मेन मेन ऊपर वाले ध्यान रखने के, भाई यहां पे मैकियावेल है, एबिगेल है, बारबस है, इथामोर है, एंड दैट्स ऑल। आगे बात करते हैं हम और आते हैं डॉक्टर फॉस्टस पे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूं क्रिस्टोफर मार्लो का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है, तो वो डॉक्टर फॉस्टस है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं। कब की बात है? 1592, और ध्यान से देखो डेथ कब हो जाती है, 1593 में। So, पढ़ेंगे आप इसको, डॉक्टर फॉस्टस इज डॉक्टर जॉनसन ग्रे जॉर्ज जॉन जॉर्ज फॉस्ट, कौन है? जर्मन अल्केमिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मैजिशियन रियल लाइफ। तो रियल लाइफ से लिया गया ये एक इनका कैरेक्टर था। फुल टाइटल ऑफ द प्ले क्या है? ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। इट्स फर्स्ट परफॉर्मेंस वॉज इन 1592 बट वॉज पब्लिश्ड इन 1609। It is written in 5 acts. कितने acts में लिखा गया है? 5 acts में। Dr. Faustus is a talented German scholar who was born of ordinary parents in Rhodes, Germany. तो भाई सबसे बड़ी बात है कि जर्मनी के थे, where he was from Germany. In the prologue, the chorus introduces the story of Dr. Faustus. Chorus सबसे पहले आती है और वो क्या करते हैं? इसको introduce करते हैं। Dr. Faustus is compared to the Greek mythological character. क्या नाम है इसका? Icarus. ध्यान से रखें गाइस, ये Icarus जो है बड़ा important character mythological, Greek mythology में। In the prologue, Wagner is the servant of Dr. Faustus. इसका कौन है servant? ये Wagner है। Before he turns to magic, he was considered to study logic, medicine, law and रिलीजन, यानी कि थियोलॉजी से बेस था, वो सब कुछ था, बड़ा जबरदस्त था, लॉजिकल था, मेडिसिन को जानता था, लॉ को जानता था। लेकिन आगे दिक्कत क्या आती है? ही लर्न एवरीथिंग ही कुड लर्न, ऑल ऑफ दीज थिंग्स लेफ्ट हिम अनसेटिस्फाइड। ये जो अनसेटिस्फेक्शन है, ये जो डिससेटिस्फेक्शन उसको लाइफ से है, इट मेड हिम टू टर्न, नाउ ही टर्न्स टू मैजिक, वो मैजिक की तरफ जाता है। अब मैजिक के जाने का मीन्स है कि अगर ह्यूमन बींग अपनी खुद की पावर से कुछ जबरदस्त नहीं कर सकता है, उसे लगता है कि वो अनसेटिस्फाइड है, तो ऑब्वियसली ही टर्न्स टुवर्ड्स मैजिक, वो ब्लैक मैजिक। ये तो कहां पे जाता है? ब्लैक मैजिक सीखता है, जस्ट टू बी मोर पावरफुल। सो गाइज, आज हम इतना वर्क करते हैं इस डॉक्टर फॉस्टस का। आगे हम प्लॉट कैसे कैसे, क्या क्या होता है वहां पे, वो क्या क्या कोटेशन बोलता है, क्या क्या वर्क करता है, कमिंग वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।